हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू सॉल्व डिस्क्रिपेंसी प्रॉब्लम इन ज़ीरोधा काइट ऐप। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग स्टॉक्स जो कि शो नहीं कर रहा है आपका ऐप में, तो उसको कैसे आप लोग फिक्स कर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग को अपना अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा डिटेल आपका रहेगा। यहाँ पे मार्जिन अवेलेबल, फिर होल्डिंग्स, करंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा अपने डैशबोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डैशबोर्ड, ऑर्डर, होल्डिंग्स, पोजिशन, फंड और ऐप। तो यहाँ पे आप लोग को होल्डिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा होल्डिंग्स है वो 33 स्टॉक्स का है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है मेरा स्टॉक में वो है LTIM। आप लोग जानते होंगे माइंट्री और LTI मर्ज हो गया है। इस स्टॉक जो है मर्जर होने के बाद ये प्रॉब्लम आ रहा है और इसको आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिख रहा है देयर मे बी अ डिस्क्रिपेंसी विद द स्टॉक, क्लिक हियर टू फिक्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टॉक जो है ये शो नहीं कर रहा है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। तो पहले जो भी आपका स्टॉक जो है वो शो नहीं कर रहा है उसको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और फिर इधर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा व्यू ब्रेकडाउन, तो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका स्टॉक का पूरा डिटेल होगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट जो परचेस था, फिर क्वांटिटी, प्राइस जो एवरेज प्राइस है, ठीक है, और फिर कितना एज हो चुका है ये स्टॉक को रखे हुए अपना पोर्टफोलियो में और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ से आप लोग को सब डिटेल लेना है। तो यहाँ पे LTI में आप लोग को आ जाना है और इधर आप लोग देख सकते हो क्लिक हियर टू फिक्स इट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पूरा डिटेल है LTIM के बारे में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो होल्डिंग डिस्क्रिपेंसीज ये किस लिए होता है, यहाँ पे आप लोग को डिटेल में दिया गया है दिस आर द होल्डिंग्स फॉर विच वी हैवंट रिसीव्ड ए बाय प्राइस। ठीक है, जो होल्डिंग्स आप लोग होल्ड किए होंगे जीरो था जो है वो बाय प्राइस उसको नहीं मिला है। दिस मे हैव कम फ्रॉम ट्रांसफर, कॉर्पोरेट एक्शन, IPO, ये सब कारण से ये प्रॉब्लम होता है। फॉर अस टू कंप्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपरली फॉर दोस एंट्रीज यू नीड टू मैनुअली एड ट्रेड विद द राइट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को राइट डिटेल एंटर करना है और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ऑटोमेटिकली 24 से 48 घंटा के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, रिसेंटली जो LTIM मर्ज होने के कारण से ये प्रॉब्लम हुआ है, तो सॉल्व करने के लिए ये आप लोग को बहुत जन का प्रॉब्लम हुआ है LTIM में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आठ ट्रेड जो है उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो LTIM आठ ट्रेड, तो यहाँ पे आप लोग को परचेस डेट, एवरेज प्राइस, क्वांटिटी और फिर टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग IPO से लिए हो तो IPO सिलेक्ट करना, अदर्स मतलब नॉर्मल मार्केट से अगर आप लोग खरीदे हो तो यहाँ पे आप लोग को अदर्स पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अदर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर क्वांटिटी जो भी लास्ट क्वांटिटी है आपका 1, फिर एवरेज प्राइस आप लोग को लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एवरेज प्राइस और फिर डेट यहाँ पे आप लोग को लिखना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है, सॉरी एवरेज प्राइस में यहाँ पे प्राइस लिखना है। आप लोग देख सकते हो ये रहा परचेस डेट, एवरेज प्राइस, क्वांटिटी और फिर टाइप, और फिर आप लोग को ऐड बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द पेंडिंग ट्रेड विल बी कंप्यूटेड एंड एडेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस विद इन 48 आवर, तो 48 आवर लगेगा। और आप लोग देख सकते हो ये रहा डेट, फिर पेंडिंग, डिस्क्रिपेंट, ये रहा प्राइस और क्वांटिटी। यहाँ पे आप लोग पूरा डिटेल चेक कर सकते हो अपना और 48 आवर वेट करना होगा आप लोग को, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो आपका डैशबोर्ड में शो करेगा। तो इस तरह आप लोग इजीली डिस्क्रिपेंसी प्रॉब्लम जो है ज़ीरोधा में वो सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विनय टेक। थैंक यू।